देवरी से विधायक हर्ष यादव ने प्रदेश सरकार पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि सरकार स्व सहायता समूह के नाम पर महिला वर्ग को रोजगार देने की बात कर रही है और रोजगार के नाम पर महिलाओं को खरीदी केंद्र दे रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधारी जा सकेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विधायक ने बताया देवरी में 35 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 16 महिला स्व सहायता समूहों को दिए गए हैं, जहां एक भी महिला दिखाई नहीं देती, बल्कि उनके नाम पर कई नेता और दलाल काम कर रहे हैं, जो कि किसानों से वसूली करते दिखाई देते हैं, जिससे किसानों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। जो मूलभूत सुविधाएं किसान को खरीदी केंद्र पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, ना छाई की व्यवस्था है, ना वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था की गई है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, और निश्चित रूप से जिस तरह से टोलना तबाही से लेकर भाई का पैसा खरीदी संचालकों के द्वारा लिया जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है और बेहद तरीके से उनका शोषण हो रहा है, ये बेहद गंभीर मामला है। मैं स्पष्ट आरोप